Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. मुझे भी दुनिया देखनी है कि अपार सफलता के बाद ये फिल्म अब चाइनीज भाषा में भी डबिंग कर चाइना में दिखाई जाएगी। मुझे भी दुनिया देखनी है ये फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। ये फिल्म ने उत्तर भारत में अपना बेमिसाल असर दिखाया है और अब ये फिल्म चाइना में भी अपने असर दिखाने को तैयार है। मुझे भी यह दुनिया देखनी है कि अपार सफलता पर रंगर शारदा में एक सक्सेस पार्टी रखी गई। वहीं दूसरी तरफ तेरे बगैर म्यूजिक को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मौजूद थे इस फिल्म के अदाकारा जय श्रीठी सत्यप्रकाश योगेश मित्तल विजू घोटे हरि सिंघानी आदि लोग। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बहुत बहुत खुशी होती है जब आप अपना काम करते हो और वो सबके दर्शकों के सामने आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वैसे ही ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है और मैं चाहती हूँ कि ये एल्बम सुपर डुपर हिट हो जाए। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सत्यप्रकाश जी के लिए है, पप्पू खन्ना जी के लिए है, राघव है, हमारी पूरी जितनी टीम है सब ने बहुत मेहनत की है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा म्यूज़िक एल्बम है तेरे बगैर ये सारे दर्शकों तक पहुँचे और सभी लोग हमें अप्रिशिएट करें। अभी इनिशियल तो आज सबने देखा ये तेरे बगैर का जो दो गाने जिन्होंने भी सुने यहाँ पर तो अप्रिशिएट किया है। आगे मुझे लगता है कि दर्शक भी जो भी सुनेंगे और देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे। आज एल्बम किए, अभी सुखविंदर का एल्बम एक किया जी टीवी ने रिलीज़ किया वो भी हिट हो गया। आज तेरे बगैर का एल्बम आया, एक और डॉक्टर साहब का एल्बम, कंटिन्यूस अभी एल्बम का सीजन चल रहा है। तो ये एक नया सब्जेक्ट हमारे सत्यप्रकाश जी लेके आए और योगेश जी ने साथ दिया है तो एक नई चीज़ हम ला रहे हैं। और आज एक गाना हुआ है, आप लोग ने एक गाना देखा है, अभी आगे और आठ गाने देखोगे आप। मैं मंगतानी जी का धन्यवाद कहूँगा जो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि किसी ने आज तक नहीं सोचा, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा समाज के सामने। दूसरा, तेरे बगैर जो हमने आज अपनी एल्बम लॉन्च करी है, मैं चाहूँगा आप लोग उस सबको सुने देखें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद। मैं कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, हम लोग अभी यहाँ पर जिस फंक्शन के लिए आए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 28 तारीख को उनकी भी डेट कंफर्म है क्योंकि रोहित शेट्टी को ज्यादातर वो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये फेस्टिवल डायरेक्टर है ना, मतलब वो फेस्टिवल में ज्यादा आते हैं। शाहरुख खान जी ने भी वही डेट पकड़ी हुई है। तो फिल्में, अच्छी फिल्में हमेशा चलती है, दैट इज इन रिकॉर्ड। जीरो देखने वाला सिम्बा भी देखेगा और सिम्बा देखने वाला जीरो भी देखेगा, तो फायदा तो दोनों को ही होने वाला है, लेकिन फायदा उनको होगा जिनकी फिल्म अच्छी बनी होगी। ये कहूंगी, ये पिक्चर मराठी में जब बनी तो पहली फिल्म थी जो मराठी में 3D में बनी, और इसका जो सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि बहुत बहुत बड़े बड़े जो कि बड़े फाइनेंसर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, इन सब्जेक्ट्स को हाथ लगाना बहुत अपने आप को, मतलब ये सोचते हैं कि हम कहीं फंस जाएंगे, हमारे बिजनेस नहीं होगा, लेकिन ये इनकी हिम्मत है कि इन्होंने इतने अच्छे सब्जेक्ट को पहले मराठी में बनाया, वो भी फर्स्ट मराठी फिल्म 3D में, और उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और अभी जब हिंदी में बनी है फिल्म, और इस फिल्म को भी काफ़ी मेरे ख्याल से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लोगों ने देखी है, और मैंने ये सुना है कि उनके आंखों में पानी आया है इस फिल्म को देखते हुए। और मैं अभी उन साहब को मैं क्रेडिट दूंगी जो चाइना तक इस फिल्म को लेके जा रहे हैं, और कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे इमोशनल फिल्म्स जिसमें अच्छे सब्जेक्ट्स हो, उन सब्जेक्ट्स को इंटरनेशनली बहुत बड़ी मांग है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती है। तो इस फिल्म को मैं भी चाहती हूँ, और इनको बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिले हैं जो इन चीज़ों को नॉलेज रखते हैं, और मैं भी कोशिश करूँगी, और हमारे साथ पीके गुप्ता साहब भी है, वो हम सभी कोशिश करेंगे इस फिल्म को इंटरनेशनली मार्केट कैसे मिले
और प्लेटफॉर्म कैसे मिले, जो इनकी मेहनत इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब्जेक्ट को लेते हुए, क्योंकि ये जो बच्चियों को मारा जाता है और लड़कों को चाहते हैं कि लड़के सिर्फ पैदा हो, हम देख रहे हैं रीज़न देख रहे हैं पंजाब वगैरह में जहाँ पे लड़कियाँ पैदा नहीं करने देते हैं और सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं और वहाँ पे क्या मुसीबतें आती है। और अब वो ज़माना नहीं रहा है कि जहाँ लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, अगर लड़कियाँ नहीं होती तो आज हम आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हम लोगों ने भी कोई ना कोई थोड़ी बहुत कोशिश करके हमारा नाम कमाया है, हमसे बड़े बड़े नाम लोगों ने यहाँ पे हिंदुस्तान में लड़कियों ने कमाए हैं और इनको मैं बिल्कुल बहुत क्रेडिट दूंगी कि ऐसे सब्जेक्ट को इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, इसको प्रोड्यूस किया है और आने वाले आगे वाले फ्यूचर में मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी मैं इनको पूरी कोशिश करूँगी कि इनको मेरे तरफ से हेल्प मिल सके। थैंक यू। ये तो सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में इतनी अच्छी बनी हुई पिक्चर अब चाइना में जा रही है और चाइना के लोग भी उसे पसंद कर रहे हैं। मतलब वो जो अभी उन्होंने थोड़ी बहुत जो झलक देखी उससे उनको इतनी अच्छी लगी है तो ये पिक्चर तो और अच्छी लगनी। और सत्यप्रकाश जी ने बहुत मेहनत की है और सभी से अच्छा काम करवाया है तो मैं चाहती हूँ ये चाइना के पूरे वर्ल्ड में जाए पिक्चर। मराठी जी हाँ, एक्चुअली आप देखा जाए तो मराठी में आजकल बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं तो उसमें से ये एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसको दूसरी लैंग्वेज में प्रमोट किया जा रहा है तो ये इसकी तरक्की है और ऐसी तरक्की होनी चाहिए। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, चाइना में भी लेके जा रहे हैं? ये तो मैं उनको इसका क्रेडिट उनको दूंगी कि ये हमारी पिक्चर वो चाइना तक उन्होंने पहुंचा दी है और लोगों के मतलब दिलों में बसाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ चाइनीज लोगों को भी पसंद आएगी। जी हाँ, वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है कि आजकल जो आजकल क्या पहले से चल रहा है कि बेटियों को मारा जाता है और लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए, पेट में मारा जाता है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल औरत और मर्द दोनों कंधे से कंधा लगा के ही चल रहे हैं तो इसके लिए उसको मानना नहीं चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, ये मैसेज है। और ये वर्ल्ड में पहुँचाना ये हिंदुस्तानी लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you